कांग्रेस के जिम्मेदार पद पर रह चुके कैंप क्षेत्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन तन्हा ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश कर लिया है। पत्रकार वार्ता में शेख हुसैन ने बताया कि कुछ कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं जो आने वाले दिनों में आप में प्रवेश करेंगे। आम आदमी पार्टी में प्रवेश का कारण तन्हा ने पार्टी के अरविंद केजरीवाल की रीति नीति को बताया। देखिए मैडम, क्या है यहाँ पर, हमारी एक उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी तो गरीबों का विकास होगा, और हमने 3.5 तक इंतजार किए, 3.5 साल तक, तो देखे कि ना कांग्रेस संगठन को कोई महत्व दे रही है, ना कार्यकर्ताओं को महत्व दे रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए। अगर हम कोई काम की किसी गरीब के काम के लिए जाते हैं तो हमें 2-3 घंटा वेट करना पड़ता है, और कई सारे ऐसी बातें हैं जो मुझे तकलीफ हुई है कांग्रेस से। आज पिछले में 20 साल से भूपेश बघेल के साथ में था, कई सारे मैंने धरना प्रदर्शन भी किया, मैंने भैया के साथ रहा, पाटन विधानसभा क्षेत्र में जाके चुनाव में भैया के लिए बहुत मैंने मेहनत की, ये उम्मीद से मेहनत किया था कि हम मैं भी एक गरीबों के लिए कुछ करूँगा हमारे क्षेत्र में। मैंने अपने कैंप क्षेत्र में कैंप 2 में जो भिलाई है वहाँ पर मैंने पिछले 20 साल में भैया को 3-4 बार 5 बार कई बार बुलाया, कई सारे मतलब तो मैंने प्रोग्राम अरेंज किए कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद में जब सरकार बन गई है तो आज हमें कोई मौत ही नहीं दिया जाता। मेरे साथ साथ में जो कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता है वो भी सब नाराज बैठे हुए हैं, वो आने वाले टाइम में देखिएगा अगले साल जो भी विधानसभा चुनाव है तो उसके बीच में ही कई सारे लोग हैं जो नाराज बैठे, वो लोग हम कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आएंगे। देखिए मैडम, कारण तो बहुत सारी है, उसके अंदर में क्या काम हुआ बताइए 3.5 साल में। आज देखिए अभी तो चंद लोग हैं जो मेरे साथ शामिल हुए हैं, और भी लिस्ट है मेरे पास में जो वो धीरे धीरे करते करते, कांग्रेस की सरकार है मैडम, तोड़ना थोड़ा सा लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे टच पे है जो बड़े बड़े लीडर उनको भी मैं टच पे रखा हूँ कि आम आदमी पार्टी में आइए, क्योंकि ये पार्टी बहुत बेहतर पार्टी है, और काफ़ी दिन से केजरीवाल की जो नीति है वो मुझे बहुत दिल पे लगती थी बात, चाहे वो गरीब की शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो,